अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज कट इट शॉर्ट एन एजुकेशनल चैनल फॉर द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. वेलकम बैक टू माई सब्सक्राइबर्स एंड दोज हु हैवन सब्सक्राइब येट, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. चलें जी, आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज अबाउट स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी. अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर हैं तो स्कूल ऑफ थॉट्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है. ऑल दो आज के टाइम में स्कूल ऑफ थॉट्स बिल्कुल मर्ज हो चुके हैं आपस में और ये सेपरेटली एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टू नो द हिस्ट्री हमें इन स्कूल ऑफ थॉट्स का और कौन लोग थे जिन्होंने इन स्कूल ऑफ थॉट्स को इंट्रोड्यूस कराया था, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. तो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे पास सेवन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. मैं आपको बताती चलूं कि स्कूल ऑफ थॉट्स होते बेसिकली क्या हैं. कि जब साइकोलॉजी को स्टार्टिंग में एज अ साइंस कंसिडर नहीं किया जाता था, माइंड के इश्यूज को, मेंटल हेल्थ के इश्यूज को कोई इश्यूज नहीं कंसिडर किया जाता था. उन्हें समझा जाता था कि कोई विच है, कोई नेगेटिव सोल है, या मे बी ये इंसान फिजिकली इल है. इस टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ इन चीजों को रिलेट किया जाता था. तो तब लोग इमर्ज होना शुरू हुए जो कि साइकोलॉजी को एक नए तरफ लेकर जा रहे थे. और उस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे होता था कि किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाते थे तो वो एक तरह से साइकोलॉजी को स्टडी करना शुरू करते थे. दूसरे जब चंद लोग उससे कहेंगे कि इख्तलाफ करते थे तो वो अलहदा तरीके से इकट्ठे होकर वो एक और काम करना शुरू करते थे. तो ये इस तरह काफी सारे छोटे छोटे स्कूल्स, छोटे तो नहीं कहेंगे पर काफी हम कह सकते हैं कि वास्ट है हमारे पास इसकी हिस्ट्री. काफी सारी मेंटालिटी के लोग जो मिलते गए और एक एक स्कूल बनाते गए, स्कूल ऑफ थॉट बनाते गए, जिनको हम आज स्टडी करेंगे और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. और आप कमेंट्स सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट कि आपको कौन सा स्कूल ऑफ थॉट्स ज्यादा अच्छा या बेहतर लगता है. सबसे हम बात करेंगे सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट की जो मर्ज हुआ था, दैट वाज बाय विलियम वुंड एंड एडवर्ड टिचनर. एडवर्ड टिचनर वाज अ स्टूडेंट ऑफ विलियम वुंड. बेसिकली विलियम वुंड ने क्या किया था कि इन्होंने जर्मनी में पहली लैब साइकोलॉजी की बनाई थी. इनको एक तरह से फादर ऑफ साइकोलॉजी भी विलियम वुंड को कहा जाता है. तो इनका बहुत ज्यादा काम है. अगर आप साइकोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा. काफी वास्ट है इनका काम, तो उसके बारे में यू विल गेट टू नो दैट. स्ट्रक्चरलिज्म एक स्कूल बना बेसिकली जिसका मानना ये था, जो इंट्रोस्पेक्शन के प्रिंसिपल्स पर काम करता था. इनका मानना यह है कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्टेजेस एग्जिस्ट करते हैं. ठीक हो गया जी. मतलब कि अगर आपको कोई चीज हॉट लग रही है, आपने किसी चीज को हाथ लगाया, वो आपको गर्म लगी, आपको एक बर्निंग सेंसेशन आई और आपने क्या किया, आपने उससे हाथ हटा लिया. ठीक है, पहले आपको पेन फील हुई, आपको बर्निंग सेंसेशन आई, आपने आपके बॉडी से एक मैसेज कन्वे हुआ, आपके माइंड तक गया, आपने वहां से हाथ हटा लिया. इसी तरह अगर हम देखें इस पूरे प्रोसेस को, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को हिस्सों में डिवाइड करके सेपरेट सेपरेट देखें कि अच्छा आपने हाथ बढ़ाया, रखा, फिर क्या हुआ, फिर किस तरह पेन फील हुई, फिर क्या मैसेज किस नर्व के जरिए गया, क्या आपको उसके बदले में रिस्पांस आया, ये सारी छोटी छोटी चीजों को अगर आप अलहदा अलहदा स्टडी करेंगे तो इसको हम स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच बोलेंगे जो कि हमें विलियम वुंड ने दी थी. मतलब कि आपका जो पूरा मेंटल प्रोसेस है उसको आपने रिड्यूस करके छोटे छोटे ऑर्डर्स में उसको हमने देखना है. इसको हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं. और जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म में, उसको कहा जाता है जी इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका यहां पे भी वही चीज है जो हमारा स्टडी करने का तरीका है. मैंने आपको बताया कि अगर जैसे आपने हाथ रखा, आपको कोई चीज गर्म लगी और वो चीज गर्म है, अब आपको पता है. ठीक है, अभी हम एज एन एडल्ट हमें पता है कि हम किस चीज को हाथ लगाएंगे और यहां से हमें नुकसान होगा. लेकिन इंट्रोस्पेक्शन ये है कि आप डिटेल में उस एक एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि पूरे इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, एंड देन यू लर्न कि हाँ जी हाँ ये चीज गर्म है, इसको हमने हाथ नहीं लगाना. जब आपको एक स्टिमुलस दिया गया, आप उसके रूबरू हुए, एक्सपोज हुए उसके सामने, तो आपका क्या एक एक एक्सपीरियंस था अलहदा अलहदा, उसको आपने एक ऑर्डर में जब आप स्टडी करते हैं तो इसको आप कहते हैं कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच जो है वो
यूज की है किसी भी प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म बेसिकली काम करता है मेंटल एक्टिविटीज के फंक्शंस पे, कि हमारा ब्रेन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा हम इसमें ये भी देखते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट के जरिए हमारे बिहेवियर, हमारे मेंटल एक्टिविटीज में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ये विलियम जेम्स ने इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया था बहुत पहले। अब एक तरह से स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म की बात की जाए तो एक दो तरह से मर्ज हो चुके हुए हैं दोनों। फंक्शनलिज्म को एज सच बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ये काफी आप कह सकते हैं कि इतना अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन अभी भी हमारी बुक्स में इसको स्टडी किया जाता है कि इसके जरिए आप क्या करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज के फंक्शन को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि आपके बिहेवियर जो है वो क्या रोल अदा कर रहा है एनवायरमेंट से चीजें सीखने में, आपकी मेंटल एक्टिविटीज क्या किरदार अदा कर रही हैं चीजें सीखने में। तो ये चीजें आप फंक्शनलिज्म में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट। That is a very interesting according to me। Gestalt psychology वालों का ये मानना था कि आप जब छोटी छोटी चीजों को study करते हो अलहदा अलहदा तो वो impact नहीं आता जब आप किसी चीज को on the whole study करते हो। तो Gestalt psychology वालों ने कहा कि हमें चीजों को पूरा मुकम्मल तरीके से स्टडी करना चाहिए, ना कि ये कि पहले हम कहें कि हम अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, और ना कि ये कि हम उसके एक एक फंक्शन को पढ़ने लग जाएं। हमें इसको एज एन होल पढ़ना चाहिए। और यहां पे इन्होंने गेस्टाल्ट स्कूल वालों ने ये कोट किया था कि जब हम छोटे छोटे पार्ट्स का सम देखते हैं और एज एन होल एक चीज को देखते हैं तो होल चीज हमेशा ज्यादा होती है। मैक्सवेल डायमर को अगर आप स्टडी करेंगे, जो कि फादर हैं ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको इन्होंने फाइव फिनोमिना का नाम दिया, या फाइव एक्सपेरिमेंट कहा जाता है जिनको। उसमें इन्होंने जो लाइट थी वो ब्लिंक करती थी और वो मूविंग सेंसेशंस दे रही थी, वो मूविंग इम्पैक्ट दे रहा था। अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते तो वो लाइट सिर्फ ब्लिंक कर रही थी, लेकिन अब हम जब होल उसको देखते थे तो यूं फील होता था जैसे लाइट मूव कर रही है। तो इसका मतलब, इससे ये उन्होंने अंदाजा निकाला कि जब हम एक चीज को ऑन द होल देखते हैं और जब हम एक चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं तो दोनों का डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। इसलिए उन्होंने माना या ये सोचा या ये समझा और हम तक ये बात पहुंचाई कि हमें जो हमारे आइडियाज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उनको ऑन द होल स्टडी करना चाहिए बजाय इनको छोटी छोटी चीजों में कंपेयर करने के, डिवाइड करने के, क्योंकि वो इम्पैक्ट बात का नहीं रहता। उसके अलावा हमारे पास आते हैं जी बिहेवियरिज्म वाले। बिहेवियरिज्म ग्रुप जो है वो हमारे पास लेकर आए हैं जॉन बी वॉटसन, इवन पेवलॉन और बी एफ स्किनर। इन लोगों का, बिहेवियरिज्म वालों का मानना ज्यादा है ऑब्जर्वेशन के साथ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इंट्रोस्पेक्शन होती है बेसिकली अपने अंदर झांकना, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना और उसको छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करना। पर बिहेवियरिज्म इज ऑल अबाउट व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व। मतलब ये कि आप जो देख रहे हैं किसी का बिहेवियर या खुद जो बिहेवियर कर रहे हैं, दैट इज बिहेवियरिज्म ग्रुप। सिर्फ हम बिहेवियर पर, क्योंकि अब जो हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं उसमें हम बिहेवियर्स के साथ मेंटल प्रोसेसेस को भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बिहेवियरिस्ट जो हैं ये सिर्फ कहते हैं कि बात ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की है और हम बिहेवियर किस तरह सीख सकते हैं, किस तरह नहीं सीख सकते। इसलिए यहां पर हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स का, दो लर्निंग थियरीज का जिक्र है, विच इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेट कंडीशनिंग। ये एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि परफॉर्म किए गए और इनके काफी, इवन पेवलॉन ने ये किए थे और फिर इनके जरिए काफी रिजल्ट्स निकले हैं। वो आगे जब आप स्टडी करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट बेटर। ये बेसिकली लर्निंग के कंडीशनिंग्स थी कि किस तरह लर्न किया जाता है, एक इंसान एक जानवर किस तरह लर्निंग स्टेजेस में से गुजरता है। तो ये वो चीजें थी जो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एज अ रिटर्न उनका जो बिहेवियर मिला उससे इन लोगों ने ये थेरीज बना ली और ये स्कूल ऑफ थॉट बना लिया। इस पर भी थोड़े हम कहेंगे कि क्रिटिसिज्म था इस स्कूल पर, क्योंकि ये सिर्फ जो है वो ये माइंड की गेम नहीं थी, ये सिर्फ बिहेवियर्स पर बेस्ड थी, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर क्रिटिसिज्म किया गया है। मजीद हम बाकी ग्रुप्स को देखते हैं तो हमें आइडिया होगा।
उसके बाद हमारे पास आते हैं साइको एनालिटिक ग्रुप के बानी जो के हैं सिगमंड फ्रॉयड। नाम आपने इनका सुना होगा अगर आप साइकोलॉजी से रिलेशन रखते हैं तो। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है लेकिन स्टिल इनके बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्योंकि किसी स्कूल ऑफ थॉट पर क्रिटिसिज्म किया गया है तो वो साइको एनालिटिक ग्रुप पर किया गया है। काफी ज्यादा चेंजेस इसमें ब्रिंग इन किए गए हैं क्योंकि लोगों को लगता था कि बिल्कुल सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता। इसमें जो सिगमंड फ्रॉयड थे इनका ये मानना था कि हमारा एक अनकॉन्शियस माइंड है और उसमें हमारे जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं, जो भी कोई ऐसी चीजें होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं और वो हमें कहीं ना कहीं ड्रीम्स के जरिए या वैसे या किसी भी तरह से हमें वो डिस्टर्ब करती रहती हैं। एट टाइम्स हमें पता होता है कि वो क्या बात है और एट टाइम्स हमें नहीं पता होता, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस से हर वक्त हमें इरिटेट कर रही होती है। उसके बाद इन्होंने हमें तीन पर्सनालिटीज दी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे हर पेपर में पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट। वो था कि जी थ्री एलिमेंट्स क्या है माइंड के, दैट वाज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो है वो इनके अकॉर्डिंग प्लेयर प्रिंसिपल है, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं बड़े लोगों में भी ये पाया जाता है कि उन्हें सिर्फ अपनी नीड्स का गर्ज होता है और उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते। एंड द सुपर ईगो वन वो बिल्कुल कैलकुलेटेड चलने वाले लोग हैं। तो ईगो है जो कि इन दोनों एक्सट्रीम्स को बैलेंस करता है और जब किसी इंसान में ईगो होता है तो वो ठीक रहता है। हाँ, जब इड हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल एंड सुपर ईगो वाला भी काफी अजीब है। तो आपके पास ईगो को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है और उसके हवाले से इन्होंने काफी ज्यादा मजीद बातें हमें बताई हैं जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी और इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगी। फ्रॉयड ने काफी सारी थ्योरीज दी हैं और ये प्रूव इन्होंने करने की कोशिश की है कि हमारे जो अनकॉन्शियस की चीजें हैं वही हमारे लिए मेंटल प्रॉब्लम्स का बायस बनती हैं। और इसके अलावा जो मेजर इसमें थिंकर्स आते हैं वो हैं एना फ्रॉयड जो कि सिगमंड फ्रॉयड ही की बेटी हैं, कार्ल जंग और एरिक एरिक्सन। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले और बिहेवियरिज्म वाले ये डिफरेंट हैं। काफी लोग इनको आपस में मिला देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डिफरेंट है। इसके जो थिंकर्स हैं मेजर वो हैं अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर। इन लोगों का मानना है कि इंसान जो है वो अपने आप के लिए सबसे बेहतर है। मतलब ये कि अगर उसको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ही इज द वन हु कैन ओवरकम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन लाइफ। ये इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी एक काइंड ऑफ इंक्लूडेड भी है। मर्ज एक तरह से इन दोनों को कर दिया गया है कि इंसान की आप पॉजिटिवनेस देखते हो, इंसान की विलिंगनेस देखते हो, उसकी पर्सनल ग्रोथ की तरफ उसकी चाह देखते हैं और उसके जरिए ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। मतलब ये कि जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है वो उसमें इंसान अपने फुल पोटेंशियल को दिखाते हुए उन चीजों से ओवरकम कर सकता है किसी भी टाइप के प्रॉब्लम से। ये हम इसे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहते हैं। इसे मतलब आप कह सकते हैं कि ये काफी पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी काइंड ऑफ अदर ब्रांच, बट ये इसमें एक तरह से मिली हुई है जिसमें हम इंसान की खुशी, इंसान की फुलफिलिंगनेस, उसकी आप क्या कह सकते हैं उसका जो चेयर अप करने का वो वे है, जो आप अपने अंदर जब अपनी खुशियां ढूंढने लग जाते हो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करने लग जाते हो, आप ऑटोमेटिकली एक बेहतर इंसान बन जाते हो। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वालों का भी सेम एज इट इज यही मानना है कि जब इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टर्म यूज किया जाता है साइकोलॉजी में, दैट इज कि इंसान जितना कर सकता है, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, पर जितनी उसमें विल है, जितनी उसमें ताकत हिम्मत है, वो उस हद तक जाने की कोशिश करता है और उस हद तक अच्छा, परफेक्ट और अपने लिए यूजफुल होने की कोशिश करता है। तो दैट इज ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। लास्ट हमारे पास आता है जी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें जीन प्याजे ने दी है। हम यही कहेंगे ज्यादातर नाम जीन प्याजे का ही इसके लिए यूज होता है। थोड़ी सी कभी कॉन्ट्रडिक्शन आती है अगर दो लोग साथ काम कर रहे हों या आगे पीछे उनके काम आए हों तो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन है, पर जीन प्याजे इज द मेन वन। जो आपके पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये आपकी मिलती है बाकी थोड़ी सी ब्रांचेस से। बेसिकली ये निकली है हमारे पास बिहेवियरिज्म के बाद। बिहेवियरिज्म पर क्रिटिक्स
ने बहुत बातें की। उन्होंने कहा कि आप कैसे, अगर साइकोलॉजी है ही माइंड की गेम, तो आप कैसे बिहेवियर पर ही उसको खत्म कर सकते हैं, बिहेवियर ही की स्टडी पर उसको कैसे खत्म शुद्ध कह सकते हैं। तो जब उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाले या कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हमारे पास इमर्ज हुआ, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम थिंकिंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, जो माइंड के गेम है, जो माइंड के काम है, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, हम इसमें बाकी जो इससे रिलेटेड डिसिप्लिन हैं, जैसे कि न्यूरो साइंसेज या फिलोसफीज हैं, उसको हम इससे रिलेट करेंगे। सिर्फ क्योंकि हमने बिहेवियरिज्म में देखा कि सिर्फ बिहेवियर ही को स्टडी किया गया, तो बेसिकली ये निकला है उसके रिजल्ट में। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये गलत है तो हम लोग सिर्फ माइंड की जो चीजें हैं, थिंकिंग है, लर्निंग है, हम उन चीजों को स्टडी करेंगे। यहां पर आपने मेंशन, यहां पर ये हुआ है, सॉरी, हां जी, यहां पर ये मेंशन किया गया है 1950s में इसका जो है वो इमर्जेंस हम कहेंगे कि हुई है। और इस स्कूल ऑफ थॉट में जितनी भी थ्योरीज हैं हमारे पास या जितने भी काम हैं, वो बेसिकली हमारी मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। जीन पियाजे ने भी हमें यही बताया कि हम किस किस फेज से अपनी लाइफ में, हमारी कौन कौन से मेंटल फेज से गुजरकर हम कहां पहुंचते हैं और उस मेंटल फेजेस में हम क्या क्या स्पेसिफिक काम करते हैं। तो बेसिकली यहां पर हमने कॉग्निशन को, इंसान की मेमोरी को, उसके लर्निंग प्रोसेस को, उसके इन्फॉर्मेशन अडॉप्टेशन के प्रोसेस को, इन चीजों को स्टडी किया है, ताकि जो सिर्फ बिहेवियरिज्म में जो खोखलापन था, क्योंकि उसमें माइंड को स्टडी नहीं किया जा रहा था, तो वो यहां पर ओवरकम हो जाए और यहां पे हम माइंड के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम स्टडी कर पाए। तो आपने अगर इन्हें अभी ही समझा होगा तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या काफी हद तक रिलेटेड हैं। कोई एक छोटी छोटी बात पर इख्तलाफात थे स्टार्टिंग में, काफी टाइम तक रहे, पर जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जा रही है तो चीजें काफी हद तक क्लियर होती जा रही हैं कि कौन से स्कूल में किस चीज को मर्ज किया जा सकता है और किस तरह इन चीजों को लेकर मजीद चला जा सकता है। आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट करें कि आप किस ग्रुप के स्कूल ऑफ थॉट के साथ हैं। और इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट वीडियोज आएंगी, इसी को फर्दर लेकर चलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।